शाहरुख खान की हैट्रिक हो गई है इस साल। डंकी मूवी भी बहुत खतरनाक सुपर डुपर हिट होने वाली है, वो 100% मैं श्योर हूँ। तीन पॉजिटिव चीज़, दो या तीन नेगेटिव चीज़ मैं आपको बताता हूँ। थिएटर में बैठे हुए हर एक बंदे को मैंने हंसते हुए देखा है। कुमार हिरानी की यही एक खास बात है कि एक बंदा भी अगर फ्रेम में आ रहा है ना, तो उसका हर एक चीज़ दिखाया जाता है। जैसे कि विकी कौशल थोड़ा बहुत गेस्ट अपीयरेंस है, लेकिन अगर ये बंदा पूरी मूवी में होता ना, तो पक्का सबको पीछे छोड़ देता। कैरेक्टर चार पकड़ सकते हो, लेकिन चार में से ये वाला जो बंदा है खतरनाक आपको मज़ा दे रहा है। सेकेंड हाफ में हाँ थोड़ी बहुत बोरिंग चीज़ें हो जाती है। एंडिंग आते आते ऐसा लगता है कि इतना ही जल्दी क्यों ख़त्म हो गया। मतलब हाँ अपने को और ज़्यादा देखने की इच्छा होती है, लेकिन एंडिंग थोड़ा ऊपर नीचे मुझे लगा। राजकुमार हिरानी ने इस मूवी को बनाने के लिए 5 साल लिए है। वो मूवी में दिखता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत की हुई है। भवन ईरानी और तापसी पन्नू का थोड़ा बहुत कैरेक्टर मुझे ऊपर नीचे लगा, इतना स्ट्रांग नहीं लिखा गया था। और वो अंडर वाटर वाला सीन, आ हा हा, आपको लगेगा अभी इनमें से किसी को गोली लग जाएगी, अभी इनमें से किसी को गोली लग जाएगी। 100% ये मूवी आप फैमिली लोगों के साथ देख सकते हो।